So, in our previous lecture, we had studied about profit and loss, how to find profit and loss, and how to find profit and loss percentage. Okay. So today we will start, and we will also discuss about post price, selling price. Okay. Example number 18. The cost of flower vase is 120 rupees. If the shopkeeper sell it at a loss of 10%, find the price at which it is sold. एक फ्लावर कॉस्ट है जो वास है ठीक है वो 120 रुपीस का है, जो शॉपकीपर उसको 10% लॉस से बेचता है, ठीक है, तो उसने उसको कितने में बेचा होगा? दैट इज अवर क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन क्या है? ओके, यस 120 रुपीस, यानी कि उसकी सीपी क्या हुई? 120 रुपीस। कितनी है सीपी? इज इक्वल टू 120 रुपीस कॉस्ट प्राइस। ओके, हमें फाइंड करना है 10% ऑफ 120, फाइंड करना है, ठीक है, 10% ऑफ 120 हमें फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे दो मेथड, ठीक है, एक तो कल वाला इक्वेशन, ठीक है, और जो 10% ऑफ 120, वी कैन ऑल्सो फाइंड 10% ऑफ 120। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 120, कैलकुलेट एंड देन टेल मी 10% ऑफ 120 कितना होता है, मुझे बताओ। सर, बोलो क्या 108 रुपीज, 108 रुपीज, 120 रुपीज नहीं क्या 108, 10% 108 रुपीज होता है सारा? 10% ऑफ 120 कितने होते सारा? 12। 12 होते हैं। बहुत इजी, देखो कल मैंने आपको बताया था, पर फिर भी आपको कैलकुलेशन करके परसेंटेज की साइन हटा के आप मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड करोगे तो भी आपको क्या आंसर आएगा? 12 आएगा, यानी कि 10% ऑफ 120 रुपीज इज इक्वल टू 12 रुपीज, यानी कि 12 रुपीज का वो लॉस बियर करता है एंड देन सॉरी। ओके, तो उसने उसको किसने में बेचा होगा, यानी कि 120 माइनस 12 करना पड़ेगा ना, 10% का वो लॉस बियर करता है, तो उसने उसने कितने में बेचा होगा? तो उसने उसको बेचा होगा 108 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? देखो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी दिया है। ओके, अभी बात आती है हमारे कल का जो इक्वेशन मैंने बताया था, ठीक है, उसके रिलेटेड, ठीक है, तो कैसे आपको वो सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन था हमारा लॉस परसेंटेज, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फिर से उसको आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहाँ पे लॉस के परसेंटेज आपको दिए हैं, कितने परसेंटेज लॉस के दिए हैं शिवानी? उसको 10% क्या होता है? लॉस होता है, तो 10 इज इक्वल टू आपने लिख दिया। ओके, लॉस कितना है वो आपको फाइंड करना है। ओके, लॉस आपको फाइंड करना है, तो लॉस को मैं वैसा का वैसा ही रखूंगा, यहाँ पे लॉस के परसेंटेज आपको दिए कि उसको 10% लॉस होता है। सीपी कितने दिए है? 120 रुपीज। कितने दिए हैं? 120 रुपीज मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है? 100 फाइंड करना है। ओके, ये इक्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये 120 इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो डिविजन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू क्या होगा? लॉस इज इक्वल टू होगा, देखो आप सॉल्व कर देना क्योंकि आपको पता चल जाएगा। देखो ये 110 मल्टीप्लाई बाय 120 हो गया,
ओके, ये तो मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अभी आपको क्या करना है, ये जो 100 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में वो अभी डिविजन में आता है। यानी कि उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 12 रुपए का। देखो यहाँ पे 12 आंसर आ गया, इज इक्वल टू 12 हो गया। ओके, पर यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, आपको लॉस फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो उसे कितने फाइंड द प्राइस एट विच इट सोल्ड इट, वो यानी कि 12 रुपए का लॉस हो रहा है, दैट मींस उसने उसको कितने में बेचा होगा। यानी कि 120 माइनस 12 करना पड़ेगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि वो उसने उसको 108 यानी कि 108 में उसको बेचा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सबको पता चला इसमें, दिव्या, सारा? यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज रुपीज 540। एक टॉय कार है, ठीक है, जिसकी सेलिंग प्राइस एसपी दी, देखो यहाँ पे एसपी पे कभी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होता है। कल मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस सीपी। ओके, यहाँ पे एसपी दी है, यानी कि वो बेचता है उसको कितने रुपए में बेचता है, 540 रुपीज में बेचता है। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, ठीक है, यानी कि 540 में बेचता है तब उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, देन व्हाट शुड बी द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है, एसपी आपको दिया है और आपको प्रॉफिट के परसेंटेज भी दिए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा इक्वेशन क्या था वो पहले हमें आपको याद है, इक्वेशन क्या था हमारा, प्रॉफिट के परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है, 20%। ओके, यहां पे देखो मैं 1 मिनट में परसेंटेज की साइन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 20% वो हमें नहीं पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, यहाँ पे हमारे लिए अननोन है, एक तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी हमें नहीं पता है और सीपी भी नहीं पता है। देन व्हाट वी हैव टू डू, एक क्वेश्चन इसमें काम लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हो रहे हैं, एक तो हमको प्रॉफिट नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमको सीपी नहीं पता है। गेटिंग माय पॉइंट, आपको पता चल रहा है ना? ओके सर, यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया है 20%, अपन प्रॉफिट के परसेंटेज दिए है ना शिवानी? यस सर। प्रॉफिट इज अ डिफरेंट टर्म एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज अ डिफरेंट टर्म। आप, मैंने कल आपको बताया था कि जो पैन थी वो सारा की 5 रुपए की पैन वो 7 रुपए या 8 रुपए में बेच देता है, दैट मीन यहाँ पे 3 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट है, 3 रुपया आपका प्रॉफिट है, पर परसेंटेज कितना हुआ था, 60% हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? यस। हाँ, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट के परसेंटेज दिए, प्रॉफिट कितना रुपीज या उसकी वैल्यू नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमें फाइंड करना है सीपी, यानी कि पहले तो हमको उसकी कितने में पड़ा होगा उसको, यानी कि और 540 में उसने उसको बेचा तब उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। पता चल रहा है सबको? यस सर। हाँ, यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूं हमारे कल वाले क्वेश्चन के, तो यहाँ पे जो 8 रुपीज की पेन जो सारा ने बेची थी, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रुपीज की पेन सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज 8 रुपीज इफ द प्रॉफिट मेड बाय सारा, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ सारा, ओके, शॉपकीपर की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ सारा, ओके, इस 20% और हमारा कल आ रहा था 60%। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमको पता थी कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 5 रुपीज थी, पर यहाँ पे हमको ये कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है कि 5 रुपीज कैसे आए। सबको अभी क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया है,
क्वेश्चन क्या है पहले तो वो समझना है, फिर सॉल्यूशन। सबको पता चला? दिव्या आपको पता चला क्वेश्चन क्या है? यस सर। सारा हो? यस सर। ओके जिया, क्वेश्चन में पता चला ना पहले हमें क्या फाइंड करना और हमें क्या दिया है। चलो तो यहाँ पे देखो दो मेथड से इसके आगे जो कि वैसे ही है। अभी देखो यहाँ पे वी आर गिवन दैट SP इज इक्वल टू 540 एंड द प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। वी नीड टू फाइंड CP, ठीक है। वी नीड टू फाइंड CP यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो CP फाइंड करने के देखो 20% प्रॉफिट विल मीन CP इज इक्वल टू 100। अगर हम देखो ये एज्यूम करके करना है, ठीक है। 20% प्रॉफिट यानी कि अगर CP हमारी 100 रुपीज होती है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपीज की होती है, तो 20% प्रॉफिट यानी कि उसके 20 रुपीज हो जाएंगे। देखो प्रॉफिट इज 20 रुपीज, तो उसमें सिंपल सी बात है कि अगर कोई ये टॉय मैंने 100 रुपीज में परचेस किया, 100 रुपीज में मैंने परचेस किया और उसको मैं 20% प्रॉफिट से बेच देता हूं, 20% प्रॉफिट से बेच देता हूं या इसके 20%, ठीक है, अगर बेच देता हूं तो मैं उसको 120 में बेचूंगा क्योंकि मैंने 20% प्रॉफिट लिया। और 20% ओनली फाइन करना है तो वो कितना होगा? 20 होगा। इसमें कोई डाउट है? 20% ऑफ 100 कितना होगा? 20 होगा ना। देखो यहां से एक जीरो निकाल दिया तो 10 प्लस ये होगा 10% और दूसरे 10% यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके यानी कि देखो इसने एग्जांपल दिया, अगर अगर सीपी हमारी, ठीक है, 100 रुपीज होती है तो प्रॉफिट हमारा 20% होगा। देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगी? उसकी 120 रुपीज हो जाएगी। देखो ये एज्यूम करके उसने कैलकुलेट किया है 100 से ताकि इजी हो जाए। ओके अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारी एसपी 120 रुपीज हो जाए, पर यहाँ पे तो एसपी हमारी 540 रुपीज है, ठीक है। देखो अभी आगे, नाउ व्हेन एसपी इज 120 रुपीज देन सीपी इज 100 रुपीज। जब एसपी सेलिंग प्राइस 120 रुपीज होती है तब सीपी 100 रुपीज होती है। देयरफॉर व्हेन एसपी इज 540 रुपीज उस टाइम पे सीपी कितनी होगी? देखो ये उसने ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है, कि जब एसपी 120 होती है तब सीपी 100 होती है। तो यहाँ पे हमको एसपी कितनी दी है? देखो यहाँ पे व्हेन एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, व्हेन एसपी इज इक्वल टू 120 रुपीज एट दैट टाइम सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज। So then when SP is equal to 540 rupees, तो जब SP 540 rupees होगी तो CP कितनी होगी? ये formula उसने apply किया, तो हमें find क्या करना है? CP find करना है, तो CP is equal to क्या होगा? 540, देखो इन दोनों का cross multiplication always होता है, 540 multiply by क्या होगा? 100 upon क्या होगा? 120 rupees। ओके जीरो जीरो कट हो गया, ठीक है। देखो अभी आप यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 54 है, 12 के टेबल में 54 नहीं आता है। ओके तो हम क्या करें? पर यहाँ पे देखो ये 3 4 हम कर सकते हैं इसको, 3 4 12 क्या होगा? 3 4 12 और इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो लास्ट टू डिजिट 44 से डिविजिबल है, दैट मींस इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 4 एक नीचे आया, ठीक है, 14 हो गया। 4 3 क्या होगा? 12, 2 बचा, 4 5 20 4 4 हम निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 135 होगा। और यहाँ पे क्या होगा? देखो अभी यहाँ पे कितना 5 + 3 + 1 यानी कि 9 हो जाएगा, तो 3 से भी इसको हम कट शॉर्ट कर सकते हैं। देखो 3 4 12 3 4 12 3 5 50 यानी कि 45 × 10 ये आ गया। ओके तो आंसर क्या आएगा? 450 रुपीज जो हमारा आंसर यहाँ पे। ये एक तो ये मेथड थी, ठीक है।
पहले कंपैरिजन कर दो 100 के साथ और उसे सॉल्व करो। देखो ये इसके आगे वाले सब में भी इसने ऐसे ही सॉल्व किया। देखो लॉस ऑफ 10% मीन सीपी इज, देखो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी इजी मेथड है, पर दिमाग में बैठनी चाहिए कि आपको क्या इक्वेशन वाली याद रखनी है या ये वाली याद रखनी है। ओके देखो अगर लॉस 10% होता है दैट मींस जो सीपी 100% होता है देन लॉस 10 रुपीज होगा, ठीक है, यानी कि 100 - 10 यानी कि 90 रुपीज में उसे सेल करेगा। तो ऐसा ही व्हेन सीपी इज 100 देन एसपी इज इक्वल टू 90 रुपीज, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू 120 देन एसपी इज इक्वल टू क्या होगी, गेटिंग माय पॉइंट। ये भी इसी मेथड से इसने सॉल्व किया है, अगर आपको ऐसे करना हो तो। अभी सेकंड बात आती है हमारी इक्वेशन वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने ये भी लिखा है कि जो अमीना है उसको ये मेथड अच्छी लगती है और अरुण है उसको ये मेथड अच्छी लगती है। इन शॉर्ट में उसने मेथड 1 एंड मेथड 2 हमको दिखाया है। ओके देखो अभी बात आई इक्वेशन वाली तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सीपी। प्रॉफिट यानी कि सीपी से ही होते 20% ऑफ सीपी एंड एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ये भी हम जानते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। सो 540 एसपी है हमारी, ठीक है, 540 क्या एसपी है, सीपी हमें फाइंड करनी है 20%, तो प्रॉफिट ये जो पूरी वैल्यू है ना वो उसने यहाँ पे पुट कर दिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट था ना उसको यहाँ पे पुट कर दिया 20% ऑफ प्रॉफिट। गेटिंग माई पॉइंट, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो यहाँ पे पहले उसने प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लिखा है 20% ऑफ सीपी। दैट वी नो प्रॉफिट क्या होता है, कितना दिया है हमको 20%, ठीक है, पर किसका 20%, ऑलवेज सीपी का होता है। अगर लॉस होता है ना तो भी सीपी का होता है, ठीक है, पर सेलिंग प्राइस का इक्वेशन क्या है ये भी हमको पता है। सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस भी होता है और उसमें प्रॉफिट भी होता है। तो सीपी देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 540। ओके यही इक्वेशन में देखो सीपी हमको नहीं पता है तो मैंने यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में लिया है प्रॉफिट इज इक्वल टू लिया है 20% ऑफ सीपी जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके तो अभी इसको मैं फाइंड करना है, ठीक है, 540 इज अ एसपी, तो सीपी मैंने ये तो था उसको ऐसे लिख दिया 20% यानी कि परसेंटेज की साइन रिमूव कर दी, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, ऑफ सीपी यानी कि मल्टीप्लाई बाय सीपी। ओके फिर यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे सीपी को कॉमन कर दिया है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं सीपी को मैं कॉमन कर दू, देखो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा है, सीपी 1 मिनट सीपी प्लस 20/100 प्लस 20/100 सीपी, ऐसा है, यानी कि सीपी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, या इसको मैं 20 सीपी भी कह सकता हूं, ठीक है, इसको यहाँ पे सीपी ना लिखूं तो इसको मैं 20 सीपी, ये दोनों में सीपी मैंने कॉमन कर दिया है तो सीपी यहाँ पे आ जाएगा बाहर पे। ओके तो यहाँ पे मैंने सीपी कॉमन किया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बचा, 1 बचा, प्लस ऊपर से मैंने सीपी ले लिया तो ऊपर क्या बचा 20 बचा और नीचे क्या बचा 100 बचा। ओके सीपी कॉमन हो गया दोनों में से। ओके अभी इसको मैंने कट शॉर्ट कर दिया, 25 से 100 यानी कि 1/5 आ जाएगा, तो यही टर्म यहाँ पे आती है, ठीक है, सीपी कॉमन आ जाता है 1 + 1/5 से। गेटिंग माय पॉइंट, पता चल रहा है सबको? ओके फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है एलसीएम लेना है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यानी कि 1 आ जाएगा, 1/1 यानी 1/5 यानी कि 5 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6/5 सीपी। तो यहाँ पे हमें मिला 540 एसपी इज इक्वल टू, एसपी इज इक्वल टू हमें मिला है, एसपी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, एसपी इज इक्वल टू हमें मिला है 6/5 सीपी। ओके एसपी कितना था, 540 रुपीज। सिक्स बाय फाइव सीपी
ये फाइव इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई बाय फाइव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिक्स नीचे आ जाएगा यानी सिक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सिक्स नाइन जाए फिफ्टी फोर, नाइन आ जाएगा, सिक्स कट हो जाए तो ऊपर क्या बचेगा नाइनटी। ओके, नाइन फाइव से फोर्टी फाइव यानी कि सीपी हमको मिल जाए 450। पता चला सबको कि नहीं चला, बताओ सर। सर हमें इसमें सिक्स बाय फाइव था, सो सर हमने फाइव बाय सिक्स क्यों किया? कहाँ पे फाइव बाय सिक्स किया है सर? लास्ट का ये सिक्स बाय फाइव से ये, यस सर। आप ये अच्छा ये बात ये बता रहे हो, ये इसने क्यों लिखा है सर? यस, तो फाइव बाय सिक्स करेंगे तो फाइव प्लस वन सिक्स बाय फाइव ही आएगा ना। देखो हमने अभी सॉल्व किया सिक्स बाय फाइव से किया ना, सिक्स बाय फाइव। यस हाँ, तभी फोर्टी फाइव आता है ना, सिक्स बाय फाइव। देखो मिस्टेक होती है भाई, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में कभी मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, देखो सिक्स बाय फाइव सीपी था हमारा, सीपी इज इक्वल टू क्या था, फोर फाइव जीरो था, फाइव फोर जीरो। ओके, ये था ना। ओके, तभी इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिक्स डिनोमीटर में आ जाएगा। सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर, जो अभी मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे नाइनटी फाइव जा फोर हंड्रेड फिफ्टी, तो सी पी इज इक्वल टू आ जाएगा 450 रुपीज। ओके, अभी ये इसने 5 बाय 6 क्यों किया है, 540 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 6। हाँ तो बेटा ये यही हुआ ना इसमें, देखो 540 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 6 किया है। ये इसने क्या किया, डायरेक्टली ये टर्म रखी है, 5 को यहाँ पे ले गया और 6 नीचे ले जाके रखी है। पता चला शिवानी? यस सर। ओके, एक स्टेप इसने स्किप किया है, इसने दोनों मेथड से पता चला। यस, कौन सी मेथड सबसे ज्यादा अच्छी रही आपको दोनों में से? सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली इजी, लॉजिकल है फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली मेथड क्या है, लॉजिकल है। एक पेन 2 रुपए में आती है तो 4 पेन कितने में आएगी, वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो देखो ये जो मेथड है ना, उसमें हर एक चीज को आपको 100 को एज्यूम करके ही लेना है। अगर 100 रुपए की चीज में हमको 20 रुपए प्रॉफिट होता है तो वॉट एवर जो भी वैल्यू दिया है आपको 1000 या 540 या, ठीक है, तो इतने में कितना होगा। ठीक है, यानी कि 100 को बेस बना के यहाँ पे काम किया जाता है, यानी कि अमीना ने वो किया है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा। देखो अभी ये इंटरेस्ट वाला बाद में देखेंगे, पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। कुछ नहीं करना, ये तो बहुत इजी। देखो गार्डिंग सेल बॉट 250 में बॉट किया है और 325 में बेचा है, तो दिव्या बताओ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। ओके, तो अभी आपको प्रॉफिट के परसेंटेज भी फाइंड करने, प्रॉफिट के परसेंटेज भी फाइंड करने। पर यहाँ पे एसपी सीपी दोनों अगर हमारे पास होती है तो हमारे पास इक्वेशन भी है और 100 वाली मेथड भी है। ओके, तो आपको कैसे फाइंड करोगे इसके बाद में मेरा एंट्री, मैंने आपको बोला था ना 10 15 से या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सबट्रैक्शन कर देंगे 325, अगर इक्वेशन से हमें फाइंड करना है तो। ठीक है, 325 माइनस क्या करना है 250। ओके, 250 यानी कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 75 होगा। यस
ओके यस सर 75 रुपीस का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन तो है ही, ठीक है। प्रॉफिट के परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट के परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 75 अपॉन क्या करना है सीपी, यानी कि कितनी है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके यहाँ पे देखो ये कट हो गया 0025 3 75 3 10 30। प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके इजी है, यस सर इजी है ना। देखो इक्वेशन कंपल्सरी लिखना है पहले, उसके बाद में सॉल्व करना, ठीक है। चलो इसको सोचो आप 100 वाली मैथड से कैसे सॉल्व करेंगे, वो घर पे सोचना, पहले पूरे देख लेते। देखो रेफ्रिजरेटर बॉट 12,000 रुपीज में, वो बॉट होता है वो 30,500 में बिक जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें किसी वाली क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर? प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 500 अपॉन क्या करना है 12,000 मल्टीप्लाई क्या करना है 100। ओके फ्रैक्शन कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा 3 4 12 3 × 2 × 2 ओके 3 कट हो गया 2 कट हो गया तो कितना होगा 25/2 = 12.5% हो जाएगा 12.5% पता चला सबको कि नहीं चला? 25/2 12 + 12 = 24 13 + 13 = 26 तो बीच में क्या आता है 25 यानी कि 12.5 हो जाएंगे। Yes. चलो सारो बताओ अभी ये कब पॉड है, 2500 में परचेज करता हूँ 3000 में बेच देता, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट कितना रुपया 500 ऊपर पुट कर देना है नीचे कर देना है, ये अब आप कर लोगे ना इक्वेशन पुट करके आपको लिख देना है, हो जाएगा ना ये? हो जाएगा सर जी। आप बताओ तो लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जिया जिया पटेल सर लॉस होगा? मुझे नहीं पता, मैं तुझे पूछ रहा हूँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जिया जिया कैन यू हियर मी? जिया प्रॉफिट होगा कि लॉस? आई थिंक लॉस होगा। अरे क्या आई थिंक यार, तू बाजार में जाती है एक स्कर्ट लेने के लिए 250 में परचेस करती है और उसी शर्ट को तू घर पे आके 150 में बेच देती है, तो आपको तो तुझे क्या प्रॉफिट किया लॉस किया? जी हाँ आई थिंक वो वर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्या आई थिंक लॉस? हाँ तो बोलना कॉन्फिडेंस बोल। अरे भाई मुझे, हम तो गुजराती, हमें तो पता होना चाहिए ये प्रॉफिट और लॉस तो हमारे ब्लड में होना चाहिए, होना चाहिए ना सारा? यस सर। हाँ आफ्टर ऑल करना क्या, बिजनेस ही करना है ना सारा? ओके तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है क्योंकि 250 की चीज हम 150 में बेचते, दैट मीन्स हमें लॉस ही हो रहा है। ओके बहुत इजी था, कन्वर्ट इन पांच ऑफ द रेशियो टू परसेंट। देखो ये क्वेश्चन अभी हम कल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में करना है आज, क्वेश्चन नंबर
वन ओके, और कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है क्वेश्चन नंबर वन करना है। चलो सब अपना वीपीएम ऑन कर दो। जिया आपने वीपीएम ऑन नहीं किया जिया? अच्छा कर, तो आज मुझे होमवर्क मिल जाएगा? यस सर। यस सारव? यस सर। जिया? यस। अरे सोहिल वो तुझे भेजना था वो होमवर्क, तूने भेजा नहीं अभी तक। अरे सोहिल ने कुछ कमिटमेंट दिया था ना, सबको बताए ना? यस सर। तो सोहिल ऐसी कमिटमेंट अभी बोला अभी मुकर गए ऐसा? मंडे को भेजने का क्या बाहर गया था? मंडे बाहर गया था, पर आप आज तो क्या हुआ? ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, क्या हुआ? चल बता दे, आज वेडनेसडे हुआ ना सोहिल? यस सर। हाँ तो आज तो वेडनेसडे हुआ ना, तू मंडे को बाहर गया था, चलो ठीक है, पर आज तो वेडनेसडे हुआ ना, तो फिर बोलो अभी क्या? फोटो रेडी है। हाँ तो क्या भेजना नहीं आता है? फोटो रेडी है पर भेजना नहीं आता है। देखो भाई ऐसी बात किसके दिमाग में उतरेगी सोई? ऐसे करके सैंड में जाके अंकित सर का बटन दबा के ऐसे टिक मारो ना तो चली जाएगी, पता है? पता है ना? तो फिर फोटो रेडी, तो फिर क्या मुहूर्त निकालना है भेजने का सोहेल? हाँ तो कब आएगी सर बोल दे। तो कल तक आ जाएगी आज। अरे वाह फोटो रेडी है पर आएगी कल तक? अरे भाई किसी के दिमाग में बात जा रही है? फोटो रेडी है पर आएगी कल, तो बीच में ना थोड़ा सा इसलिए क्या इंटरनेट इश्यू है मेरा थोड़ा सा, इसलिए लेट जाती है। अरे सोहिल मैं इंजीनियर हूँ, पता है तुझे? पता है कल तक इतना तो इंटरनेट इश्यू नहीं है कि कल तक नहीं। नहीं नहीं कल तक नहीं, 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 अगर तुझे पता नहीं मैं बता दूँ, आई एम एन इंजीनियर ओके। तू मुझे बता रहा है कि सर मुझे इंटरनेट इश्यू है, यहाँ पे सारे इश्यू हम सॉल्व करते हैं, इंटरनेट इश्यू जूम कॉलिंग में नहीं होता है, बातचीत करने में नहीं आता है, पर इंटरनेट इश्यू हो रहा है ओनली एंड ओनली होमवर्क सेंड करने में। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू सोहिल? How can everyone trust you? अरे सर कल भी इंग्लिश की क्लास आई थी ना तब इंटरनेट इश्यू हो रहा था। अच्छा भाई चलो तेरा इंटरनेट इश्यू तू अपने पास रख, पर कल मुझे आ जाना ओके? सर आपको जिया ने होमवर्क भेजा? हाँ जिया ने भेज दिया, पर सर शिवानी ने आपको याद नहीं दिलाया था। नहीं शिवानी ने याद करवाया था, क्यों नहीं करवाया था? मुझे मैसेज किया था मुझे शिवानी ने। चलो बाय, हैव अ गुड डे, कल हम फिर से मिलेंगे ओके। बाय सर। बाय सर।